पूरा कंट्रोल ले लेगा, पंचीर में भी तो ले नहीं पाएगा वो, कि वो ग्रेवयार्ड है, लेकिन उसके अलावे जब वो पूरा कंट्रोल कर लेगा तब वो अपना जी और जी विभत्स रूप दिखाना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि ये जिहादी जितने हैं, जिहादी सभी तालिबान जो हैं वो सभी तालिबान जो मिक्स्ड ग्रुप है, जैक्स हैं, अलग अलग देश के मिशनरीज हैं, मर्सनरीज हैं, तो वो जब फ्री हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान उनको जेन के तरफ डाइवर्ट करेगा। जी सिरा साहब, आपके पास वापस लौट के आता हूँ। माजिद हैदरी, जिस तालिबान की आप तारीफ कर रहे थे, जिस तालिबान की आड़ में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, जिस तालिबान की आड़ में नोमानी कह रहे थे, उस तालिबान को आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है? हालांकि उनके संभावित कैबिनेट के चेहरे भी अब चला रहे हैं, कोई कमांडर है, कोई सुरंग बनाने में एक्सपर्ट है, तो कोई बम फोड़ने में एक्सपर्ट है। इस तालिबान का समर्थन कर रहे थे, ऐसी कैबिनेट देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? देखिए अमीश भाई, तालिबान एक सच अर्थात सत्य है। अब ये कड़वा सच है या जलेबी जैसा मीठा सच है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन तालिबान एक बहुत बड़ा सच है। इतना बड़ा सच है कि उन्होंने सुपर पावर अमेरिका को दुम दबा के भगाया, और वो भगोड़ा अमेरिका जो है वो हमारे को भारतवर्ष को भी $2 बिलियन का अफगानिस्तान में चूल्हा लगा के गया, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में हमने $2 बिलियन हमारे देश ने अफगानिस्तान में खर्चे थे। अब बात केवल ये है कि जो ये 11 दिन से जो अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ है, अब से भारत सरकार की तरफ से एक भी अनाउंसमेंट नहीं आया कि हमारा तालिबान से रिश्ता क्या है, क्या तालिबान हमारा दोस्त है, क्या तालिबान हमारा दुश्मन है, क्या तालिबान दहशतगर्द है, क्योंकि आज तो अमेरिका कह रहा है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। तालिबान जो है तालिबान दहशतगर्द है, इस पे कोई शक है क्या? आतंकवादी संगठन है? नहीं नहीं अमीश भाई, उनकी मुलाकात किससे हो रही है? जैश मोहम्मद के चीफ से, लश्कर ए तैयबा के चीफ से, उनकी मुलाकात, उनकी मुलाकात, उनकी करार किनके साथ हो रहे हैं? उनके करार आईएसआईएस के साथ हो रहे हैं। सोचिए उनकी कैबिनेट कौन सी है जिसमें रॉकेट लॉन्चर एक्सपर्ट है? डिस्कस ना करें उनकी जिनके पत्रकार हैं, मैं भी दोस्तों। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में देश में छुपे हुए कुछ गद्दारों को, जो अपने से थोड़े से फायदे के लिए इस देश को भी दांव पर लगाने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, इसकी हमें और देश को जरूरत है। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बम फोड़ने वाला मंत्री और आप कह रहे हो कोई शक है? सत्यवादी बंदूकधार है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास। हाँ सबूत था, सबूत आपको इतनी सारी तस्वीरें, सबूत नहीं दिख रही। संबित पात्रा, संबित पात्रा, भारत के साथ सबूत चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्हें भारत ने जब पराक्रम किया था तब भी सबूत चाहिए था, अब इनको तालिबान की क्रूरता का सबूत चाहिए। सबूत चाहिए होता है ठीक। डॉक्टर पात्रा देखिए अमीश भाई, पहले तो ये जो मिस्टर हैदरी है इनको बोलिए ये अमेरिकन कपड़े पहन के क्यों बैठे हुए हैं, ये कोट टाई वगैरह लगा करके, सलवार कमीज दीजिए इनको, ये सलवार कमीज पहन के बैठे। बाई चांस अगर ये तो कल तक आदरणीय तालिबान बोल रहे थे, गलती से अगर जाना पड़े इनको अफगानिस्तान तो ये तो छोड़ेंगे नहीं तालिबान, इनके मित्र ही इनको नहीं छोड़ेंगे। क्यों बैठा है पहन के, क्यों आया आपका सलवार कमीज कहाँ है भैया? क्यों वही तो मैं, आप मुझे नंगा देखना, नंगा नहीं देखना चाहते, तो सलवार कमीज पहनिए ना, नंगा देखना है। अरे भैया वो तो आप ऑलरेडी हैं। म्यूजिक। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। वो तो हम जानते हैं आप एक्सपोज हैं, आप तो नहीं पहन के आते, वो तो एक्सपोज तो पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिकन ड्रेस पहन के क्यों बैठे हो? जो मर्जी पहनूं, भारतीय हैं आप तो, आदरणीय तालिबान भारतीय। पात्रा का जवाब, सबूत मांग रहे डॉक्टर पात्रा। ये देखिए प्रूफ नहीं अमीश भाई, इनको सबूत देने, अमीश भाई इनको क्या सबूत देना है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये देश के सामने एक्सपोज खड़े हैं, देश इनको 100 बार देख चुका है। बताइए मतलब महबूबा मुफ्ती जी खुद कह रही हैं कि अमेरिका को तो मजा चखा दिया, अगर हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा तो आप भी कहीं के नहीं रहोगे, आप मतलब भारतीय आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, वो तो एक फॉर्मर मुख्यमंत्री ऐसे बोल रही है, ये तो फिर भी पत्रकार है। आप सोचिए ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो अपने आप को कभी कभी हिंदुस्तानी कह देते हैं, ये किस प्रकार का बयान है? यही कांग्रेस की भी सोच है, यह भी आर्टिकल 370 के साथ है, यही माजिद हैदरी की सोच है, यह भी आर्टिकल 370 चाहते हैं, वरना ये धमकाते हैं। और यहां रहमानी साहब बैठे हैं, देखिए यहां पर ये सारे लोग, रहमानी साहब भी कह रहे हैं कुछ तालिबानी बहुत अच्छे हैं। हमें जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे कुछ भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से तालिबान को, ताकि अफगानिस्तान भी नया अफगानिस्तान बने। ये तो मेरा कहना है, ये तो सानू की समय 10 सेकंड।
अमीश भाई, उपनिषद में कहा गया है मूर्खों के साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा हूं, वैसे मूर्खों के साथ बहस करने से खुद मूर्ख बनने की भी डर होती है। कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।